स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल डू यू नो डैट पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे मजेदार और नए फैक्ट लेकर आया हूँ जिसे जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो के आज के पहले फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है कोई गाँव या शहर नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, फोटो में दिख रही है जगह दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में अभी तक 50 लाख से भी ज्यादा मुर्दे दफनाए जा चुके हैं। दोस्तों ये कब्रिस्तान इराक में है, जिसे पीस वैली के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब हम आज की वीडियो के दूसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो लंबा और बोना दोनों रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, एडम रेनर नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लंबे और बोने दोनों रह चुके हैं। दोस्तों 18 साल की उम्र तक एडम रेनर की लंबाई 3 फीट 7 इंच थी, लेकिन इसके बाद 51 की उम्र तक आते आते एडम रेनर की लंबाई 7 फीट 8 इंच तक हो गई। जी हाँ दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हुई तो ये 7 फीट 8 इंच के होकर मरे थे। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब हम आज की वीडियो के तीसरे फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहाँ के लोग अक्सर सोते हुए ही नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान में कलाची गांव के लोग अक्सर सोते हुए ही नजर आते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में यूरेनियम नाम की काफी जहरीली गैस निकलती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कभी भी और कहीं भी नींद ले लेते हैं और कहीं भी सो जाते हैं। दोस्तों इसी वजह से इस गांव को स्लीपी होलो भी कहा जाता है। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और चलिए अब हम आज की वीडियो के चौथे फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हाल ही में रात को 2 दिन पहले व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम 6 घंटों के लिए बंद हुआ था, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। सभी को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और इसी वजह से बहुत सी अफवाहें भी फैलने लगी थी। दोस्तों जिस दिन ये तीनों ऐप बंद हुए थे, उस दिन फेसबुक के शेयरों में 5% की गिरावट भी आ गई थी, जिससे फेसबुक के को फाउंडर और CEO मार्क जकरबर्ग को करीब $7 अरब मतलब कि करीब 52,212 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। और इसी के साथ साथ मार्क जकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में एक पायदान नीचे भी आ गए हैं। दोस्तों आपको फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब हम आज की वीडियो के पांचवें फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चाइना के ली चांग युएन दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले व्यक्ति थे। जी हाँ दोस्तों, चाइना के ली चांग युएन दुनिया में अभी तक सबसे ज्यादा जीने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों ली चांग युएन का जन्म 3 मई 1677 यानी कि 3 मई 1677 को हुआ, और उनकी मृत्यु 6 मई 1933 यानी कि 6 मई 1933 को हुई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये कुल 256 साल के होकर मरे थे। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब हम आज की वीडियो के आखिरी फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना ही होगा कि इस दुनिया में जो भी आया उससे जाना तो पड़ता ही है, मतलब जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होती है। लेकिन दुनिया में 3 ऐसे जीव है जिनकी कभी मृत्यु ही नहीं होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से हैं। दोस्तों हाइड्रा, हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसकी कभी भी मृत्यु ही नहीं होती है। जब इसके बॉडी पार्ट्स खराब होने लगते हैं या फिर काम करना बंद कर देते हैं, तो ये उन्हें खुद बे खुद बदल लेता है और सही कर लेता है, और ये हमेशा फिट रहता है। आपको इफेक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरे नंबर पर लंग फिश आती है। दोस्तों ये मछली अपनी लंग्स की मदद से हमेशा जिंदा रह सकती है। जब भी सूखा पड़ जाता है या बारिश नहीं होती है तो ये अपने आप को जमीन के नीचे गाड़ लेती है, और कई सालों तक ये बिना खाए पिए जिंदा रह सकती है, और पानी मिलने के बाद ये वापस बाहर आ जाती है। आपको इफेक्ट जानकर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीसरे नंबर पर लोबस्टर का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, लोबस्टर एक ऐसा जीव है जिसका ब्लड ब्लू कलर का होता है, और ये जीव कभी भी नहीं मरता है, मतलब ये अपने आप को हमेशा यंग रखता है। आपको ये फैक्ट जानकर कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार और नए फैक्ट जानने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। और नए वीडियो अपडेट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।